छतरपुर जिले के चांदला के बीजेपी विधायक के राजेश प्रजापति के साथ लखकुश नगर थाना प्रभारी हेमंत नायक द्वारा अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर धमकाने के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। बीजेपी विधायक के पिता पूर्व विधायक आरडी प्रजापति अपने समर्थकों के साथ रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर उन्होंने समर्थकों के साथ जमकर नारेबाजी करते हुए एडीएम को ज्ञापन देकर तत्कालीन थाना प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। तो क्या है ये, तो एसपी साहब ही करवा रहे हैं। अगर एसपी साहब चाहते उनको लाइन में लिए हैं, ऐसा नहीं है कि एसपी साहब लाइन में है ये बात करिए, अब किससे कहा जाए। तो अपनी बात यहाँ रख गए, एसपी साहब को भी बताने वाले हैं, और नहीं होगा तो यहाँ लाखों की तादाद में भी तो एक वार्निंग दे रहे हैं कि अगर उनको तत्काल उनके ऊपर FIR दर्ज करके इनको हटाया जाए और इनको बर्खास्त करने की कार्रवाई की या सिविल सेवा का इन्हें उल्लंघन किया है। भारतीय प्रजापति हीरोज ऑर्गेनाइजेशन द्वारा महामहिम राष्ट्रपति के नाम इस आशय का ज्ञापन दिया गया है कि थाना लखकुश नगर में पदस्थ उपनिरीक्षक हेमंत नायक के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। ज्ञापन में इस तथ्य का उल्लेख किया गया है कि हेमंत नायक के द्वारा SC जाति की महिला के साथ बदतमीजी की गई है और इसको हम उचित माध्यम से माननीय राष्ट्रपति महोदय के समक्ष भेजेंगे और आगे जो भी इसमें विधि अनुसार कार्रवाई है वो